गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में कंसेप्ट पढ़े थे, यानी अध्याय 8 का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या उसके नियम पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा गया कि सुधीर ने एक को 4500 रुपये में खरीदे, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सुधीर द्वारा खरीदा गया कोट का मूल्य कितना है जी? तो 4500 रुपया है, ये जो मूल्य है सुधीर के लिए क्रय मूल्य है और दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य है। ध्यान देना है, यहाँ लिखाइए सुधीर द्वारा खरीदा गया कोट का खरीदा गया कोट का क्रय मूल्य का लक्षण दिया जी 4500 रुपया। फिर लिखेंगे क्रय मूल्य के अतिरिक्त 6% बिक्री कर देना पड़ता है, 6% बिक्री कर देना पड़ता है, अर्थात जो वस्तु खरीदा गया है 4500 रुपये में उसके अतिरिक्त भी 6% से टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ लिखेंगे कि क्रय मूल्य का 6% बिक्री कर बराबर, अब देखेंगे जो क्रय मूल्य है उसके 6% बिक्री कर का मूल्य कितना रुपया है, कितना क्रय मूल्य है जी? क्रय मूल्य को दिया है 4500 रुपया का निकालेंगे 6%, क्या करेगा जी? आपको बिक्री कर देना पड़ेगा। और यहाँ लिखेंगे 4500 का क्या होता है, गुना का 6/100 कैसे आएगा, यहाँ घटेगा ये चिन्ह हटेगा, प्रतिशत का बटन 100 आएगा, यह घटेगा एक शून्य से एक शून्य, यहाँ कितना आ गया जी? 45 × 6, क्या करेंगे गुना करेंगे, 6×5=20, 30 × 0=3, 6×6=24, 24×3=27, कितना गया 270 रुपया, क्या है कि आपका पत्री बिक्री कर अर्थात टैक्स है। अब ध्यान दीजिए कि बिक्री कर को क्या करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य में ऐड करते हैं, ठीक है? बिक्री कर को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 4500 रुपया है, और जो आपका निकला है बिक्री कर उसका मान कितना आई 270 रुपया है। अब क्या करेंगे, 270 रुपया को 4500 रुपये में इसको ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कोट का कुल क्रय मूल्य बराबर कितना होगा जी? 4500 + 270 क्या रहेगा? 4770 रुपया, यह आपका आंसर होगा, ठीक है?
एकाग्र का कोट का कुल क्रय मूल्य होगा, अर्थात कोट खरीदने के लिए सुधीर को कुल 4,770 रुपए का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, समझ चुके हैं क्वेश्चन को, इसे आप नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।